राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का चुनावी प्रचार जोरों पर है। बता दें कि बानसूर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रोहिताश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों में समर्थन मांगा। इस दौरान आसपा प्रत्याशी रोहिता शर्मा ने महलाड़ा की ढाणी मोतीवाली आदि गांव ढाणी में जनसंपर्क कर 25 नवंबर को चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर वोट डालने की अपील की। प्रत्याशी रोहिता शर्मा ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि आप लोगों को 25 नवंबर को चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर वोट देकर इन भ्रष्टाचारियों का विनाश करना है और इस चुनाव में 36 बिरादरी का 36वीं बिरादरी का भरपूर साथ है। जितना चाव हमारी 36वीं बिरादरी कर रही है उतना चाव और कोई नहीं कर रहा है। इस चुनाव में एक नई चीज देखने को मिल गई, सब लोग मेरा साथ दे रहे हैं, वातावरण भी अच्छा है। अब तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे फसल पक जाती है ना तो रोजड़ों से बचाने की जरूरत पड़ती है, रोजड़ा जाने कब कूद जाए। तो अब कुछ एक सातर बदमाश लोग हैं जो नोट से ही टिकट लाए और नोट की दम पर ही जो है वोटों को, वो तो आम आदमी को कुछ समझते नहीं कि आदमी का स्वाभिमान है, सीधा पैसे की गड्डी रात को सरकाते हैं और दलाल एकाध सब जगह मिल ही जाते हैं। तो उनको पता लग जाता है कि फलाना उसके घर रात को आते काला कपड़े पहन कर कैसे और उसके घर में, और वो दलाल अपने दोस्तों को बेच देता है 10 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, सारा वोट तुम्हारा है।